गुड मॉर्निंग, आपको हमारे नवागत चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर ढूंढे क्या है वो है SHM। ओके, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। ये इसका वीडियो नंबर वन है, यह SHM का वीडियो नंबर वन है और इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या क्या है? हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन, SHM, इसे कुछ बेसिक टर्म, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्निशन। तो हमें 7 टॉपिक को आज कवर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन पे आते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ओके, तो बहुत अच्छा हेडिंग लिखिए और लिखिए वहां पे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का हेडिंग दे दिए। तो पीरियोडिक मोशन की हेडिंग के बाद लिखिए कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो आपको समझना है कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है अपने आप को रिपीट करें, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। ओके, द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर ए रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। ओके, तो इस प्रश्न को लिखिए, मोशन विच रिपीट्स इट्स पार्ट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और समझ गए होंगे कि पीरियडिक मोशन क्या होता है जो अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करें। इसके कुछ एग्जांपल देखिए। तो आपका एग्जांपल नंबर वन, जैसे कि अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ घूमता है, जैसे कि ये हुआ हमारा सन और ये हुआ हमारा अर्थ। तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमेगा, तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है अर्थ फिर अब उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। तो लिखिए, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हमारा पहला एग्जांपल हुआ, जैसे कि ये हुआ हमारा अर्थ हुआ। तो दिन और रात जो हो रहा है वो अपने रोटेशन की वजह से हो रहा है ना। तो दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओके, हमारा तीसरा एग्जांपल क्या है, ये घड़ी है। तो घड़ी का जो सुइया है उसमें 3 गो होता है, एक होता है आवर का सुई, एक होता है मिनट का सुई और एक होता है सेकेंड का सुई। ओके, तो हमारा ये यहां से 3 एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, मोशन ऑफ हैंड आवर, मोशन ऑफ
मिनट, हैंड्स एंड मोशन ऑफ सेकेंड हैंड्स। ओके, नाउ कम टू द सिक्स एग्जाम्पल। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चार तरफ क्या घूमता है, मून घूमता है। तो क्या होगा, मोशन ऑफ द मून, रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये हमारा छठा एग्जाम्पल हो गया, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ओके, तो हम लोगों ने छह एग्जाम्पल पढ़ा, और भी बहुत एग्जाम्पल होता है, लेकिन हम कम से कम इतना समझ गए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑफ द हैंड आवर, मोशन ऑफ द हैंड्स मिनट, चाहे मोशन ऑफ द हैंड सेकेंड, कुछ भी नहीं किएगा, सब चलेगा। अब आगे समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो पहला टॉपिक तो कवर करनी है, उसको टिक मार देते हैं कि पीरियोडिक मोशन इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां का क्या लिखिए, ऑसिलेटरी मोशन। अब समझिए कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ओके, तो जैसे एक फिक्स पॉइंट पी है, अब इसी में जो टह एक आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, तो उसको बनते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो आगे जाता है उसको बनते हैं टू, पीछे गया तो फ्रो। तो मोशन ऑफ ए बॉडी विच रिपीट इट्स सेम मोशन, वो अपने पार्ट के मोशन को जो रिपीट करेगा, द मोशन ऑफ ए बॉडी विच रिपीट इस पार्ट आफ्टर ए फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन टू एंड फ्रो मैनर। ओके, आगे पीछे सिर्फ, वो सब क्या था, वो सब आपका जो है पीरियोडिक मोशन था। तो आपका ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह का एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन इसमें सिर्फ आगे पीछे जाएगा। ओके, तो देखिए टू मरने हुआ बैक, एफ फॉर फ्रो, एफ मरने हुआ फ्रॉट मतलब फ्रंट, ऐसे याद रखिए। ओके, इसका डिफरेंस क्या लिखेंगे, ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन भी होता है, और वाइब्रेटरी मोशन विथ रिपीट इट्स पार्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन टू एंड फ्रो मैनर, उसको बनते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल पे आते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल क्या लिखिएगा, मोशन ऑफ द पेंडम बार, जो हमारा जो घड़ी का जो पेंडम का जो ये हमारा घड़ी हुआ, और घड़ी में एक पेंडम होता है, तो पेंडम जो होता है कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, तो क्या लिखिएगा, द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ कंडक्स बांड
पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा नदी है, डेट इज द रिवर। रिवर में एक दो लकड़ी का टुकड़ा है और उसमें दो कोई सामान बांध के लटका दिए, तो क्या करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये क्या हुआ, ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेगा, मोशन ऑफ ए नोड अटैच्ड टू टू ए डॉग इन वाटर। ओके, ये भी होगा कि कोई नोड को हम किसी एक लकड़ी के टुकड़े से बांध देते हैं तो कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हो सकता है। तीसरा देखिए, ये हमारा स्प्रिंग है और स्प्रिंग में जब कोई मास को लटका देते हैं, इसमें भी कभी ऊपर की तरफ एक्सटेंशन होता है, कभी नीचे की तरफ होता है। ओके, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, मोशन ऑफ ए नोड अटैच टू अ स्प्रिंग। ओके, चौथा एग्जाम्पल देखिए, ये हुआ हमारा यूट्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्यूब बोलते हैं। तो यूट्यूब में फोर्स डालिएगा तो कभी लिक्विड इधर थनकेगा, कभी लिक्विड इधर इधर थनकेगा, तो क्या लिखेगा, द मोशन ऑफ ए लिक्विड कंटेन इन यूट्यूब व्हेन इट इज कंप्रेस वंस इन वन निम्ब। तो जब हम एक तरफ से एक कंप्रेस करेंगे तो दूसरी तरफ भागेगा, दूसरी तरफ से कंप्रेस करेंगे तो पहली तरफ भागेगा, ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब समझते हैं हार्मोनिक मोशन और नॉन हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ओके, तो एक तरफ लिखिए हार्मोनिक मोशन, एक तरफ लिखिए नॉन हार्मोनिक मोशन। ओके, यहाँ लिखिए हार्मोनिक मोशन हो गया और दूसरी तरफ लिखिए नॉन हार्मोनिक मोशन। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हार्मोनिक मोशन होता है ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। यहाँ आप लिख लीजिए कि हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, टैन कॉट और बाकी किसी भी फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। ओके, तो हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब क्या हुआ, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर बाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, अगर इस ये दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में रहेगा तब उसको बनते हैं हम लोग हार्मोनिक मोशन। ओके, अगर ये इस टाइप का फॉर्म में रहेगा, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन टू ओमेगा टी।
ओके, अगर वो इस फॉर्म में रहेगा कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन टू ओमेगा टी, तो इसको बनेंगे हम लोग नॉन हार्मोनिक मोशन। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि इफ फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन सिंगल हार्मोनिक फंक्शन इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, इसको बोलेंगे हम लोग हार्मोनिक मोशन। ओके, और नॉन हार्मोनिक मोशन में क्या कहेंगे, इसमें कहना है कि इफ फंक्शन आर एक्सप्रेस इन मोर देन वन हार्मोनिक मोशन। ओके, तो हम लोग को बेसिक टर्म जो है वो हम लोग सीखनी है। अब हम आगे सीखेंगे इसके कुछ बेसिक डिफिनीशन के बारे में। तो अभी हम लोग ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया, ओसिलेटरी मोशन खत्म हो गया, हमका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो समझ में गए, हमको कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे कि बेसिक टर्म क्या होता है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक इक्वेशन है। ओके, ये हमारा क्या है SHM का एक बेसिक इक्वेशन है। ओके, तो देखिए इसमें जो ए है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो हो क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और ये जो ओमेगा हुआ, ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ओके, ओमेगा क्या बनते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी या फिर इसको निकालिए 2 पाई एफ। तो टी को क्या बनते हैं हम लोग टाइम पीरियड और एफ को क्या बनते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम लोग का क्या क्या हो गया, ओमेगा समझ गया, एम्पलीट्यूड समझ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। ओके,
बाय क्या है? बाय द डिस्प्लेसमेंट। एट टाइम टी, ये कि बाय क्या हमारा? डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा क्या है? फेज। ओके, जब टी का मान जीरो पुट करते हैं तो हमारा क्या होगा? ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव। जब टी बराबर जीरो पुट करेंगे तो इसका मान कितना आ गया? फाइव। तो फाइव को क्या बनेंगे हम लोग? इनिशियल फेज। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन होगा, बाय वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और बाय टू का मान क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा? तो ये देखिए, ये हो गया पूरा हमारा एक फेज डिफरेंस हुआ। तो इसको बनते हैं हम लोग फाइव वन डैश, और पूरा को बनते हैं हम लोग फाइव टू डैश। तो डेल्टा फाइव का मान कितना होगा? फाइव टू डैश माइनस फाइव वन डैश। तो हमारा मान कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन। तो हमारा मान कितना आ गया? फाइव टू माइनस फाइव वन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेज डिफरेंस। ओके, तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस की बात कर लिया। अब देखिए, अगर हमारा डेल्टा फाई का मान होगा पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ बाय वन एंड बाय टू आर इन अपोजिट फेज। ओके, और अगर हमें डेल्टा फाई का मान हुआ जीरो या टू पाई चाहे कुछ भी, तो आपका मान कितना हो गया? बोथ बाय वन एंड बाय टू आर इन सेम फेज। ओके, देखिए, सेम फेज कहने का मतलब होता है 2 पाई और जितना टर्न होगा उसको n से गुना कर दीजिए। ओके, तो हमारा फेज कितना हो जाएगा? 2n पाई। और हमारा n का मान कितना होगा? 0 1 2 3, जो चाहिए वो पुट कीजिए, ये आपकी मर्जी पे है। तो देखिए, जो हमारा फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा लैम्डा हुआ इसको बोलते हैं वेवलेंथ, और डेल्टा एक्स को बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। कैप्टन टी का मान हुआ हमारा टाइम पीरियड, और डेल्टा टी का मान कितना हुआ हमारा? टाइम डिफरेंस। ओके, तो हम इतनी सारी चीजें मिल गई।
यहाँ से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमारा सेम फेज होने के लिए डेल्टा फाई का मान कितना होना चाहिए, 2n पाई। फिर हम क्या पुट करते हैं, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए आपका पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस आया वो कितना आ गया, n λ, है ना। तो अगर हमारा बाय वन और बाय टू सेम फेज में होगा, अगर कोई क्वेश्चन में कहता है कि बाय वन एंड बाय टू आर इन सेम फेज, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डेल्टा फाई का मान होगा 2n पाई और हमारा डेल्टा एक्स का मान होगा n λ। ये हमारा एक की पॉइंट है, इसको आप जो है 5 स्टार टिक मारिए। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपोजिट फेज की, कि अपोजिट फेज क्या होता है। तो अपोजिट फेज होने के लिए हमें डेल्टा फाई का मान कितना होना चाहिए था, पाई, 3π, 5π, 7π और 9π, अपन पुट करते जाइए। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 डिवाइड बाय 2π। अब पुट कीजिए, n का मान अगर 0 पुट कीजिएगा तो डेल्टा फाई का मान कितना आएगा आपका, पाई। n का मान आप 1 पुट कीजिए तो आपका डेल्टा फाई का मान कितना आएगा, 3π। दो दो में से गया, सॉरी सॉरी 0 से नहीं, इसका मान यहाँ 2n+1, वन 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 पुट करेंगे 2n+1 तब आपका सही होगा। देखिए 2n-1 पुट कीजिए चाहे 2n+1 पुट कीजिए, दोनों का मतलब बराबर होता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का आपका डिफरेंस होगा। अगर आप 2n+1 पुट करते हैं तो आपका n का मान 0 से स्टार्ट कीजिए, अगर आप 2n-1 पुट करते हैं यहाँ पे तो आप n का मान जो है 1 से स्टार्ट कीजिए। तो ये कंसेप्ट को आपको बस क्लियर रखना है, बाकी आप मेन कंसेप्ट इसका है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके इसमें जो है हमारा कंसेप्ट है डेल्टा फाई का मान कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आप दोनों तरफ से पुट कर सकते हैं, 2n-1 डिवाइड बाय 2π, सॉरी 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 डिवाइड बाई टू नहीं हो, 2n-1 था, 2n+2, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके 2n-1 पुट कीजिए था, 2n+1 पुट कीजिए, टू नीचे नहीं होगा इसमें। डेल्टा फाइव का मान हमारा कितना होना चाहिए, 2n+1 था, 2n-1। हम 2n+1 पुट किए तो हम n का मान 0 पुट किए, तब n का मान 0 पुट करेंगे डेल्टा फाइव का मान पाई आएगा, तब n का मान 1 पुट करेंगे तो हमारा डेल्टा फाइव का मान 3 पाई आएगा। उसी तरह से दोटा है, अगर हम n का मान दोटा है 2 पुट करते हैं तो हमारा डेल्टा फाई का मान कितना आएगा, 5π, और अगर हम n का मान दोटा 3 पुट करते हैं तो हमारा डेल्टा फाई का मान आएगा 7π। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, डेल्टा फाई का मान कितना होना चाहिए, 2n-1 पाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो आपका डेल्टा एक्स का मान कितना आ गया, लैम्डा, पाई से पाई आपका कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2n-1 डिवाइड बाय 2, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, (2n-1)λ/2। ओके तो यहां से आप एक समरी बना लीजिए, समरी लिखिए और समरी में एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। इधर लिखिए सेम फेज, इधर लिखिए अपोजिट फेज। तो सेम फेज में डेल्टा पाई का मान होगा, फाई का मान होगा आपका 2n पाई, और यहां पे आपका डेल्टा फाई का मान होगा 2n-1 पाई।
यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान कितना होगा आपका एन लैम्डा, और यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स का मान कितना होगा 2n+1 डिवाइड बाय 2 लैम्डा। ये दो पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके तो हम लोगों ने अभी तक कितना टॉपिक पढ़नी है, बेसिक टर्म भी पढ़नी है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे काम करना है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा टॉप लिखिए टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके हमें आशा है आपने हेडिंग लिख लिया होगा। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टू एंड फ्रो मूव करेगा। देखिए ये हुआ हमारा, अब देखिए ये मूव कैसे करता है, आगे मूव करेगा पीछे मूव करेगा। ओके फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके समझे नहीं समझे, फिर समझाते हैं। देखिए ये हुआ हमारा मीन पोजीशन, ये आगे गया पीछे आया फिर पीछे गया फिर आगे आया, ये चार पॉइंट है। तो ये हमेशा होते रहेगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वो एक सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है जिसका एक फिक्स रेडियस है। ओके इधर का जो एम्पलीट्यूड होगा प्लस ए होगा और इधर का एम्पलीट्यूड होगा माइनस ए होगा। ओके अगर कोई मीन पोजीशन स्टार्ट होता है, इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तब हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा साइन के फॉर्म में होगा। ओके तो हम लिखेंगे बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके आगे लिखिए, अगर कोई मोशन होता है एक्सट्रीम पोजिशन स्टार्ट होता है, इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन देन हम क्या लिखेंगे, हम अपना डिस्प्लेसमेंट का मान लिखेंगे बाई कॉन टू ए कॉस ओमेगा टी। ओके ये आपको दो पॉइंट को हमेशा याद रखना है। अब समझते हैं वेलोसिटी क्या होता है। ओके सभी को पता है वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसको वेलोसिटी कहते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए अगर बाय कंटिन्यू लिखा हुआ होगा ए साइन ओमेगा टी, तो हमारा वेलोसिटी का मान कितना होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके अब देखिए आपका बहुत ही फेवरेट इक्वेशन जो आप जानते हैं, क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका यहां से कॉस ओमेगा टी का मान कितना आ जाएगा 1 - sin² ओमेगा टी। ओके
तो आप यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? ई ओमेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट का मान कितना है, बाई कॉन टू ए साइन ओमेगा टी। तो आपका साइन ओमेगा टी का मान कितना देगा, बाई बाई ए। ओके, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का मान पुट कर दीजिए, ई ओमेगा वन माइनस बाई बाई ए का स्क्वायर। ओके, तो आपका वेलोसिटी का मान कितना आ गया यहाँ पे, ई ओमेगा वन माइनस बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, और ये हमारा ई ओमेगा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको वी नोट बोलते हैं, वी नोट ई ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, वन माइनस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा कंप्यूट करके देखिए, इसको थोड़ा कंप्यूट करेंगे तो आपका भी का मान कितना आएगा, ई ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ओके, तो ये आपका ए से ए कट गया, आपका भी का मान आ जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपका वेलोसिटी का तीन फॉर्मूला आ गया। तो पहला फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू ई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया वेलोसिटी का आपका, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका वी नॉट वन माइनस बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपको समरी में ये तीन फॉर्मूला वेलोसिटी का आपको याद करना है, ये आपका हो गया समरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमारा भी का मान कितना था, ई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए का मान पुट करेंगे, डी बाई डी टी, कॉस थीटा का हमारा डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, ये पुट करेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, ये आपका होगा एक्सेलरेशन। और ये साइन ओमेगा टी को आप क्या पुट कर सकते हैं, बाई। देखिए हमारा एक्सेलरेशन का मान आ गया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और हम लोग जानते हैं बाई इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी हमारा था। ओके, तो हम साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, बाई बाई ए। ओके, तो यहाँ पे पुट कीजिए, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर बाई बाई ए। आपका ए से ए कट गया तो आपका एक्शन का मान आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। ओके, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन का दो मान आ गया, एक आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और दूसरा मान आपका क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई। ओके, और हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे मास का मान एम पुट करेंगे और एक्सेलरेशन का मान कितना पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय। ओके, तो इससे क्या आ गया हमारा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस बाय। ओके, यही तो हमारा एसएथएम का जो है डिफिनीशन है। तो हम लोग ने इतना जो पढ़ा है
इससे हमारा एसएसएम का डिफिनेशन आ गया। एसएसएम का डिफिनेशन कहता है कि बॉडी मूव्स इन फॉर्म ऑफ साइन और कॉस सच दैट इट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये इस तरह से मूव करता है इस साइन और कॉस के फॉर्म में कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्स जो फोर्स होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट के तरफ होगा। ओके, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है और वो आगे मूव कर रहा हो, ओके, वो आगे मूव कर रहा हो, तब उसका जो फोर्स होगा वो पीछे होगा। यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हो गया। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ द एसएचएम। तो हमारा इतना सारा चीजें आ गई कि फोर्स इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। ओके, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसमें से अब सबका समरी निकाल लेते हैं। ओके, तो नेट टेक द होल समरी ऑफ द दिस टॉपिक। ओके, पहला क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, ए साइन ओमेगा टी या फिर होगा ए कॉस ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी कब लिखेंगे, जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कॉस ओमेगा टी कब लिखेंगे, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। ओके, अगर हम एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो हमारा वेलोसिटी का मान कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वी नॉट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या फिर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम पिछले में बाई लिखे थे, यहाँ पे एक्स लिखे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को एक्स बाय कुछ ही मान सकते हैं। एक्स का मान कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय या फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, और चौथा में क्या लिखिएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाय। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक को हम यहीं पेंट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू and like, subscribe and share this channel. Okay, आपको इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ फायदा भी होना चाहिए।